हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, माँ बनना किसी भी महिला के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर वो बहुत दिनों से माँ बनने की कोशिश कर रही हो तो वो बहुत जल्दी जानना चाहती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं। वो अगली पीरियड आने का वेट नहीं करना चाहती। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका शरीर कुछ संकेत देने लगता है जिससे आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दोस्तों, पहले और दूसरे वीक में आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, लेकिन एक वीक से एक महीने के अंदर आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और समय रहते यदि आप कंसीव नहीं करना चाहती तो आप उसका उपचार भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं पीरियड ना आने को ही प्रेगनेंसी का लक्षण मानती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिन्हें देखकर आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी पीरियड किसी अन्य कारणों से भी रुक सकती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपको कुछ और लक्षण भी दिखाई दें, इससे आप कंफर्म हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो पहला सिम्टम्स है पीरियड का रुक जाना। जैसा कि सभी महिलाएं जानती हैं कि पीरियड का रुक जाना प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा लक्षण है, लेकिन पीरियड कभी कभी अन्य कारणों से भी रुक जाती है। तो कुछ और सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दूसरा है जी मचलाना। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स समझ में आते हैं जैसा आपको लगता है कि उल्टी होने वाली है या जी मचलाता है। तीसरा है कब्ज का होना। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बदलने लगता है, जिसके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करता है और इस वक्त आपको कब्ज बनने लगता है। तो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को कब्ज इसीलिए बनता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करता है। अगला कारण है यूरिन का बार बार आना। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपकी किडनी दोगुना काम करने लगती है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जैसा फील होता है और आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से ये एक मुख्य लक्षण है कि आपको बार बार यूरिन आने लगता है। गैस बनना और सीने में जलन। दोस्तों, जब आपको प्रेगनेंसी में कब्ज होने लगता है, गैस बनने लगता है, तो गैस के कारण आपके सीने में जलन जैसा भी आपको फील हो सकता है। अगला लक्षण है आपके मुंह के टेस्ट में बदलाव। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके टेस्ट में बदलाव आ जाता है। आपका टेस्ट कड़वा हो जाता है, कुछ भी चीज आप खाते हैं वो हल्का कड़वा महसूस होता है आपको, या फिर खाने का टेस्ट जैसा है उस तरह आपको फील नहीं होता, कुछ बदला हुआ फील होता है। तो ऐसे में भी आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगला लक्षण है आपके ब्रेस्ट में बदलाव। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके सीने में कुछ बदलाव आते हैं, हल्का सूजन सा फील हो सकता है या फिर भारीपन आप महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी एक ब्रेस्ट में भी बदलाव हो सकता है, उसमें भारीपन या सूजन हो सकता है, उसमें थोड़ी कठोरता आ सकती है। तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है। आप किसी भी काम को करते वक्त हांफने लगते हैं या जल्दी थक जाते हैं। दोस्तों, ये सारे लक्षण आपके शरीर में प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स के बदलाव के कारण होते हैं। अगला लक्षण है आपके प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद आपके सर में दर्द बना रहना और आपके स्वभाव में बदलाव। दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, हार्मोन्स के कारण आपके सर में कुछ हल्का दर्द महसूस हो सकता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा या फिर आलसी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में आते हैं। ये सारी समस्याएं हर प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ होती है। तो फ्रेंड्स, पीरियड बंद हो जाने के बाद अगर ये सारी समस्याएं भी आपके साथ हो रही हैं, इनमें से कुछ समस्याएं भी आपके साथ मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी को कैसे चेक करना है, इसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप उसे देख सकते हैं और घर पर ही अपनी प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप एक वीक से एक महीने के अंदर ही अपनी प्रेगनेंसी को
जांच परख कर उसके उपचार भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।